हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, व्हाट डज इट लुक लाइक। पिछले प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पॉलीनोमियल्स को रिलेट किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था व्हाट आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स फाइंड करने के 3 डिफरेंट मेथड होते हैं, जिसमें से लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पहला मेथड जो फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस कर लिया है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। दादी की कोई बात नहीं है, कितने सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग स्टेप को फॉलो करिएगा एंड यू विल गेट द रूट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, इक्वेशन वाज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन वाज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 इज make the coefficient of x square as unity. Okay, then how will we make the coefficient of x square as unity? We will divide the entire equation by a. Fine. It will become x square plus b by a x plus c by a. Right? Okay. Step number 2 is divide the coefficient of x by 2. Divide the coefficient of x by 2. Here over the coefficient of x is b by a, and if we divide the coefficient of x by 2, we will get b by 2. And add x square to both sides of the equation. So, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? X square plus b by a x plus b by 2 a whole square right side में भी add करेंगे और left side में भी add करेंगे। तो ये जो constant वाला term है, इसको हम उधर भेज देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल सी इन लेफ्ट साइड भी हम लोगों का बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखिए तो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में हम लोगों को मिल रहा है एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। इज इट राइट? जी हाँ, इसीलिए इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बिकॉज वी आर एडिंग सर्टेन टर्म, एक पर्टिकुलर टर्म हम लोग ऐड कर रहे हैं टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, और एक साइड क्या बन जा रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। इधर तरफ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए। राइट, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, मैं थोड़ा सा ऊपर प्रोसीड करती हूँ। एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। फोर ए स्क्वायर विल कम आउट ऑफ द रूट और b by 2 a उधर ट्रांसफर हो जाएगा। रूट लेने पर दो क्वांटिटी आती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया x is equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac over 2. And you guys must be sure कि यही होता है हमारा quadratic formula और श्रीवरा चार formula जो मैंने बोला था कि this is the third way to find the roots of quadratic equation. But हम लोग अभी अगर mention कर दे रहा है question है कि we just have to find the roots of the quadratic equation by method of completing the square, then we can't use this quadratic formula. Then we will proceed from here until there. Okay? So this is this formula we are going to use in the next lecture. तो ये हो गया हमारा method of completing the square. अब बात आती है इससे related questions करने की। सबसे पहला question, find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. ठीक है, step number 1 was make the coefficient of x square as unity. Fine, that is unity. Divide the coefficient of x by 2 and add x square to both sides of the equation. 2 से divide करेंगे, 2 root 2 आएगा, 2 root 2 का square इधर add करना है और 2 root 2 का square इधर add करना है, right? और उससे हमने इधर transfer कर दिया। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि this is x minus 2 root 2 का square. This is 8 minus 6, right? x minus 2 root 2 by minus, क्योंकि यहाँ पर minus था. The whole square is equals to 2. x minus 2 root 2 is equals to minus plus minus root 2, right? Taking both sides. X is equals to 2 root 2 plus minus root 2. एक्स की सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो डिफरेंट रूट्स आए, एक आया एक्स वन जो कि है 2 रूट 2 प्लस रूट 2 दैट कम्स टू 3 रूट 2 एंड सेकेंड रूट इज एक्स 2 दैट इज 2 रूट 2 माइनस
माइनस रूट टू दैट कम्स टू वन रूट टू और रूट टू, ठीक है। तो रूट्स हमारे डिफरेंट भी आ सकते हैं, रूट्स हमारे सेम भी आ सकते हैं, तो नीड टू वरी अबाउट दैट। ऑल यू नीड टू रिमेम्बर इज ये जो छोटे छोटे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हुए पूरे प्रोसीजर में, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसका भी रूट निकालना है। अब यहाँ पे क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू यूनिट, तो नाउ वी विल डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय 2 टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज यूनिट। खैर ऐसा जरूरी भी नहीं होता है कि हमको हमेशा डिवाइड करना पड़े, बट डिवाइड करके क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। जैसे ही हमने डिवाइड किया महिला पूछिए, इसके बाद क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x बाय 2 प्लस 7 बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 बाय 4 का स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 दैट कम्स टू एक्स माइनस 7 बाय 2 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 7 बाय 4 का होल स्क्वायर हो गई, देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाय 4 का होल स्क्वायर और माइनस 2 ये भी करेंगे तो 7x बाय 2 इक्वल टू 49 बाय 16 माइनस 3 बाय 2 एक्स माइनस 7 बाय 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 49 टू 8 3 जा 24 दैट कम्स टू 25 बाय 16। जब हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो ये क्या आएगा प्लस माइनस 5 बाय 12 तो 25 बाय 16 ही लिखते हैं। यहाँ से आगे कंप्यूट करेंगे x माइनस 7 बाय 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 बाय 4 x की दो वैल्यू 7 बाय 4 प्लस 5 बाय 4 दैट कम्स टू 12 बाय 4 3 एंड x टू 7 बाय 4 माइनस 5 बाय 4 दैट कम्स टू 2 बाय 4 1 बाय 2। देर आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x और वी कैन से देर आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा मेथड है कंप्लीटली द स्क्वायर मेथड। आगे की मेथड में हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यहाँ क्वेश्चन में मेंशन था इस वजह से हम लोग ऐसे प्रोसीड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3 एंड आफ्टर मेकिंग लास्ट यूनिटी तो वी विल डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय 3। नाउ वी विल डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2 एंड एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 11x बाय 3 that is 11 by 6 whole square 11 by 6 whole square and we will transfer the constant term to the right x plus 11 by 6 whole square equal to 121 by 36 minus 10 by 3 121 x plus 11 by 6 and we will take the roots of स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड विल गेट प्लस माइनस 1 बाय 6 एंड नाउ इफ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x 1 दैट कम्स टू माइनस 11 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 दैट कम्स टू माइनस 10 बाय 6 एंड x 2 एज माइनस 11 बाय 6 माइनस 1 बाय 6 दैट कम्स टू माइनस 12 बाय 6 दैट कम्स टू माइनस 2। तो हियर ओवर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स। जैसे क्वेश्चन में बोला था कि वी जस्ट हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, बट यहां पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है। जब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा हाउ विल वी कम टू नो कि वेदर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट और नॉट। अगला क्वेश्चन है यहां पे हम लोगों को फिर से वही प्रोसीड करना है कि आप मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज यूनिटी। ये हो जाएगा आपका माइनस 4 बाय 2 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 प्लस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर, हाफ किया और स्क्वायर के दोनों तरफ ऐड किया 4 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर 2 प्लस 1 बाय 4 9 बाय 4 ये हो गया हमारा एक्स प्लस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 बाय 2 राइट। तो यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x x1 इज इक्वल्स टू 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 एंड x2 इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 4। तो यहाँ से वही सेम तरह का आंसर आएगा कि वी विल गेट टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, कोई नए वैरायटी के क्वेश्चन आपको नहीं
ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी आपको वही सेम तरीके से प्रोसीड करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि यू हैव टू जस्ट डिवाइड द एंटायर क्वेश्चन बाय 2 एंड यू विल फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 एंड ऐड द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। उसके बाद हमारा कंप्लीट द स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 63/4। यू हैव टू फाइंड द नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम जब आती है तो मानते हैं कि लेट द नंबर बी x। बोला गया है कि द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 63/4। ओके, वी जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको कोई इक्वेशन मिलेगी, ऐसा कुछ बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही करेंगे, एल्स हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते थे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले x के कोफिशिएंट्स को यूनिटी बनाना है। खैर वो पहले से था, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करने की हमें कोई जरूरत नहीं थी। x का कोफिशिएंट है 1 का हाफ, 1 का डिवाइड करो फिर से 1/2 का स्क्वायर जो कर हमने ऐड किया। ये हो गया आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। उधर हो गया 64/4 दैट कम्स टू 60। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने रूट लिया तो x प्लस 1/2 इज प्लस माइनस 4, x इज इक्वल्स टू 4 - 1/2 दैट कम्स टू 7/2 एंड x इज इक्वल्स टू -4 - 1/2 दैट कम्स टू -9/2। तो देर आर अगेन टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वी कैन से कि देर आर टू नंबर्स 7/2 एंड 9 - 9/2, द सम ऑफ द नंबर एंड देयर स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 63/4। कभी कभी इस क्वेश्चन में ऐसे मेंशन कर देता है कि द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, तो वहां पे हम करेंगे ऐसे, बट यहाँ पे क्या एंड में हमें क्या करना है, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ x इज 300। बात आती है कि सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 क्या। तो अगर हम लोग सक्सेसिव मल्टीपल की बात करें, हम लोग 5 का टेबल लिखना स्टार्ट करें, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो टू गेट द नेक्स्ट टर्म हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले में 5 ऐड कर रहे हैं, हमेशा प्रीवियस वन में 5 ऐड करते हैं, टू गेट द सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 5। तो अगर हम लोग ये कहें कि पहला टर्म x था तो उसके बाद वाला टर्म क्या होगा, x प्लस 5। तो हम लोगों को कुछ ऐसा मानना पड़ेगा, लेट द Successive multiple, let the successive multiple of 5 be x and x plus 5। तो बोला क्या है कि the product of the successive multiples is 300। तो हमें क्या करना है, हमें product ले लेना है, वो हो जाएगा हमारा 300। x square plus 5x is equals to 300। पहले हमारा क्या है कि यहाँ पे x square का जो coefficient है वो पहले से unity है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है और स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो 5/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड होगा और 5/2 का स्क्वायर उधर भी ऐड होगा, राइट। इसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड विल बिकम x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर एंड राइट साइड विल बिकम 300 प्लस 25/4 दैट कम्स टू 1225/4 x प्लस 5/2 का स्क्वायर। यहां से हम लोग स्क्वायर रूट दिखा लेंगे और जैसे ही हम लोग जब स्क्वायर रूट दिखा लेंगे तो 1225/8 x प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 1225। हो सकता है कि यहाँ पे जो आपका नंबर आ रहा है मतलब स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो ऑन टोटल हम लोग ऐसे भी आंसर लेके छोड़ सकते हैं जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ उस केस में, एल्स हमें पूरा पूरा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1225 को हाँ थोड़ा सा इवैल्यूएट कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसिव मल्टीपल्स ऑफ 5 निकाला था 300, देयर आर टू नंबर्स और ये दोनों सक्सेसिव मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगे, एक्स एंड एक्स प्लस 5। तो दिस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द रूट्स बाय व्हाट मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अब आप लोगों का सेकंड मेथड कंप्लीट हो गया है, सून वी विल स्टार्ट द थर्ड मेथड।
which is finding the roots of the quadratic equation by using quadratic formula or by using Shridhar formula. उसमें हम लोगों को सिर्फ questions ही questions practice करने, because उसका जो derivation था वो हम लोगों ने complete in this quadratic में देख लिया. But वो formula आपको आपके favorite text पे याद होना चाहिए. ठीक है, जल्दी मिलते हैं हम लोग next video में. Till then आपको questions करिएगा. Thank you for watching the video. Enjoy your day.